आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन आई एम योर टीचर आमना आमा एंड ए वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है डेट इज़ चैप्टर फाइव अबाउट पीरियोडिक टेबल पहले ग्रेड्स में हम आ, डिफरेंट आ, जो एटम का स्ट्रक्चर है एटम किस तरह से एक स्ट्रक्चर में कम्बाइन होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं इसके अलावा हमने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक मास क्या होता है और हमने प्रोडिक टेबल देखा कि उसमें ग्रुप्स और जो पीरियड्स हैं वो किस तरह से उनकी अरेंजमेंट है सो so, अभी हम प्रोडिक टेबल पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्रोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हैं किस तरह से प्रोडिक टेबल डिस्कवर हुआ उसकी हिस्ट्री क्या थी किस तरह से डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडिक्टेबल जो थे वो डिस्कवर किए उसके बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिला जो आज हम यूज़ uh, करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सो जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर वन अबाउट हिस्ट्री ऑफ टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल बताए और वो किस तरह से uh, uh, उनकी जो थी बेस वो थी उनके डिमेरिट्स क्या थे वो किस तरह से वो रिजेक्ट हो गए और मॉडर्न टेबल जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ ऐसे लो देख लेते हैं रिकोगनाइज पीडिक टेबल एज अ वे ऑफ क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स हमने देखना है कि किस तरह से जो हमारे सामने जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आता है उसमें ग्रुप्स और जो पीरियड्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है किस बेस पे ग्रुप्स और पीरियड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है लेकिन उससे पहले हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस तरह से डिफरेंट जो टेबल के जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर किए उनकी उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की उनको कैसे क्लासिफाई किया उनको कैसे अरेंज किया फिर वो रिजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया देन किस तरह से ये एक पूरी टाइम के बाद मॉडर्न टेबल हमारे सामने आया सो so, एक्टिविटी करते हैं इसके लिए वट डू यू नो अबाउट प्रियोडिक्टेबल आप टेबल के बारे में क्या जानते हैं यस टेबल जो है वो एक अरेंजमेंट है एक ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट है एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर है एलिमेंट्स का जो हमें मदद देता है एलिमेंट्स को स्टडी करने का विद देयर डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सो पीरियडिक टेबल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्गन है एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर है डिफरेंट एलिमेंट्स का जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज सो एलिमेंट्स में आ, हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में वो पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं देयर आर सेवन पीरियड्स जो के हॉडिजोंटल रोज हैं जो आ, जिन आ, जिन हॉडिजोंटल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज हैं अलोंग द वर्टिकल कॉलम्स टॉप से बॉटम में किस तरह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से ग्रुप्स में रेंज हैं सो ये तो हम पहले जानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज होते हैं अब हमने देखना है कि जो ये हमें मॉडर्न टेबल ये इस फॉर्म में हमें मिला है वो किस तरह से मिला है किस टाइमलाइन की बेस पे हमें मिला है क्या इसकी हिस्ट्री है किस तरह से ये जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है ये हमारे सामने आई है सो नेक्स्ट इज टेबल वॉज डिस्कवर्ड किस तरह से जो प्रियोडिक्टेबल था वो डिस्कवर हुआ ये हम अभी देखेंगे क्या क्या हिस्ट्री थी प्रियोडिक्टेबल की किस तरह से प्रियोडिक्टेबल हमारे सामने आया एक मॉडर्न और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ ट्रायल्स फर्स्ट वन एक साइंटिस्ट था जॉन डॉब्रेनर जिसने 1817 में एक लॉ पेश किया था उसके लॉ के अकॉर्डिंग जो उसने तीन तीन एलिमेंट्स को एक एक सेट्स में रखा था वो सेट्स क्या कहलाते हैं ट्रायर्ड्स सो so, उन ट्रायर्ड्स में उसने कहा था कि जो तीन तीन सेट्स हैं उसमें फर्स्ट और जो थर्ड है उसका अगर हम मीन निकाल लें उसकी अगर हम एवरेज निकाल लें तो जो सेकंड है उसका एटॉमिक मास हमें मिलेगा सो so, ये उसका लॉ था सो द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन अ ट्रायर्ड वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट इन दैट ट्रायर्ड सो ये जो लॉ uh, था इसके अकॉर्डिंग उसने ट्रायड uh, टेबल uh, दिया जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स के उसने सेट्स बनाए और उनको एटॉमिक मैसेज के लिहाज से उसने उनकी अरेंजमेंट की सो ईच ग्रुप ऑफ थ्री वाज़ कॉल्ड ट्राइड्स उसने तीन तीन एलिमेंट्स uh, का सेट दिया जिसको हम कहते हैं ट्राइड्स वो क्या थे फर्स्ट वाज़ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम लिथियम और सोडियम के सॉरी uh, पोटेशियम के एटॉमिक मैसेज की एवरेज निकाली उसको डिवाइडेड किया उसको ऐड करके डिवाइड किया टू पे तो जो हमें अमाउंट मिली डेट वाज द एटॉमिक मैस ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो कि क्या था सोडियम तो इस तरह से उसने डिफरेंट ट्राइड्स डिफरेंट सेट्स निकाले डिफरेंट थ्री थ्री एलिमेंट्स के जिसमें उसने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उसका अगर हम एवरेज निकालें तो जो हमें एटॉमिक मास मिलेगा जो हमें अमाउंट मिलेगी वो क्या होगी वो एटॉमिक मास होगी सेकंड एलिमेंट की सो so, इस तरह से उसने सेकंड सेट भी दिया जिसमें कैल्शियम और बेरियम का उसने एटॉमिक मास ऐड किया उसको डिवाइड किया टू पे तो जो अमाउंट मिली डेट वॉज द एटोमिक मैस ऑफ सेकेंड एलिमेंट डेट इज स्ट्रॉनियम नेक्स्ट जो उसने ट्रायड दिया उसमें उसने क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को सेट किया क्लोरीन और ब्रोमीन का उसने एटॉमिक मैस का मीन निकाला जो अमाउंट उसको मिली डेट वाज़ द एटॉमिक मैस ऑफ ब्रोमीन सो so, इस तरह से ये लॉ ऑफ ट्रायड्स हमें आ, दिया इस साइंटिस्ट ने जिसमें हमने आ, जो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के लिहाज से सेकेंड एलिमेंट का अटोमिक मैस निकाला सो so, इस प्रॉपर्टी एटॉमिक मैस की प्रॉपर्टी के लिहाज से थ्री थ्री सेट्स का जॉन डॉब्रेनर ने इनको अरेंज किया सो डैट वाज द लॉ ऑफ ट्राइड्स देन ये रिजेक्ट हो गया तो so, नेक्स्ट जो आया डेट वॉज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वो किसने दिया जॉन न्यू ने इन 1863 में एक न्यू लॉ पेश किया फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स उसने क्या कहा उसने कहा कि जो हर एर्थ एलिमेंट है वो सिमिलर है अपनी प्रॉपर्टीज में विद द फर्स्ट एलिमेंट तो उसने जो एक रो बनाई एक ग्रुप बनाया उसमें उसने कहा कि जो एर्थ पे एलिमेंट आता है वो क्या है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं विद द एलिमेंट डेट इज़ ऑन फर्स्ट सो इस तरह से जो उसने लॉ पेश किया डेट वॉज लॉ ऑफ ओक्टेव्स ये लॉ उसने पेश किया था ओक्टेवज म्यूजिक पे म्यूज़िक का जो लॉ uh, होता है डेट इज़ ओक्टेव म्यूजिक जिसमें एक अगर सी बटन है जो uh, पियानो बजाते हैं उसमें जो सी बटन है अगर Uh, उसको देखा जाए तो उसके बाद एर्थ पे सी वटन आता है डेट आर सिमिलर्स इन प्रॉपर्टीज सो इस तरह से उसने उसको बेस बनाते हुए ये लॉ ऑफ ऑक्टिव दिया था और एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन एट्थ इन सेवन ग्रुप सेवन ग्रुप्स में उसने अरेंज किया था और उसने ये कहा था कि जो एर्ट्थ एलिमेंट आएगा वो क्या होगा उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी विद फर्स्ट एलिमेंट तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रियोडिकली अरेज होंगी और इस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेज किया था इन ग्रुप लॉ क्या था इट स्टेट एवरी एलिमेंट है एलिमेंट्स आर अरेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैस उसने कहा था कि एलिमेंट्स में सिमिलर uh, प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी एवरी एट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट अगर उनको एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज किया जाए इन ग्रुप्स, सो ये था उसका लॉ जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं क्लासिफाइड 56 एलिमेंट्स इस साइंटिस्ट ने डेट इज जॉन न्यूलैंड उसने टोटल 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था इन सेवन ग्रुप्स में सो डेट वाज़ हिज टेबल जिसमें जिसको उसने म्यूजिक ऑक्टेव्स के लिहाज से अरेंज किया था इसको इंग्लिश में उसने जो अरेंज किया था डेट इज़ डोरे मी फा सो लाती डेट वॉज अ म्यूजिक स्टेटमेंट जिसके अकॉर्डिंग उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था इसको इंडियन ने ट्रांसलेट किया था इन द फॉर्म ऑफ सारे गामा पादानी इस फॉर्म में उनको ट्रांसलेट किया था तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस उसने कहा था कि जो हर जो एट्थ एलिमेंट है डेट इज़ फ्लोरीन फॉर एग्जांपल तो जो हर एट एलिमेंट है वो सिमिलर रखता है अपनी प्रॉपर्टीज़ विद फर्स्ट एलिमेंट सो डेट इज़ हाइड्रोजन तो इस तरह से उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में अरेंज uh, किया था तो उसने टोटल सेवन ग्रुप्स बनाए थे और फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स सो ये था उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव जो कि ऑक्टेव म्यूजिक पे था लाइक सी बटन है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस सी बटन के साथ मैच करती हैं तो डेट इज एट सी बटन तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फर्स्ट के साथ मैच करती हैं तो so यही उसने अपने लॉ uh, में पेश किया था कि जो हर एर्थ एलिमेंट है वो सिमिलर है अपनी प्रॉपर्टीज में विद द फर्स्ट एलिमेंट्स तो इसी लिहाज से उसने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे और उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया था जिसमें हर एर्थ एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज सिमिलर रखता है विद द फर्स्ट एलिमेंट सो नेक्स्ट वॉज पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आया डेट इज जिमिट्री मिंडलीव जिसने Uh, एक न्यू प्रोडिक्टेबल दिया इन एटीन सिक्सटी नाइन में उसने क्या किया वेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इन इंक्रीजिंग एटोमिक मैसेज सर्टन सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज रीअकर प्रियोडिकली उसने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं विद द इंक्रीजिंग एटोमिक मैस तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रियोडिकली अक्कर करती हैं वो प्रियोडिकली अक्कर होती हैं मतलब कि अगर एक ग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं सो इस तरह से जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रुप्स में रीअकड़ करती हैं सो so, उसका उसने क्या कहा देर वर सिक्स पीरियड्स एंड एट ग्रुप्स इन द टेबल जो टेबल उसने दिया उसमें टोटल सिक्स ग्रुप्स थे और थोड़ी सिक्स पीरियड्स थे और एट ग्रुप्स थे जो जो हम uh, उसने हमें टेबल दिया ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स पे सो so, जो उसका ओरिजिनल टेबल था वो ये था उसमें उसने एलिमेंट्स uh, को अरेंज किया इन टू सिक्स पीरियड्स एंड एट ग्रुप्स में ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या हैं वो एट थे डेट वॉज ग्रुप्स और जो हॉरिजेंटल रॉज हैं वो क्या थी वो पीरियड्स थे और वो टोटल थे सिक्स तो इस तरह से उसने सिक्स पीरियड्स में और एट ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया था विद द इनक्रीजिंग एटोमिक मैसेज सो इसमें डिफरेंट ड्रॉबैक्स थे एलिमेंट्स जो थे जो न्यू uh, एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने थे लाइक नॉबल गेसेज उनकी जगह नहीं थी इसके अलावा एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स जो थे वो नहीं बताए गए थे तो एक न्यू साइंटिस्ट जो था डेट वाज हेनरी मॉजले इन 1913 में उसने एक न्यू पीरियोडिक टेबल दिया था डेट वाज ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ़ देयर एटॉमिक नंबर उसने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं वो पीओडिक uh, फंक्शन रखते हैं मतलब उनमें पीओडिस पाई जाती है एक अरेंजमेंट पाई जाती है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो उसने एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया था सो वर सिक्स पीरियड्स एंड एट ग्रुप्स इन द टेबल सो उसने जो टेबल दिया था उसमें उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से पेश किया था हमारे सामने जिसमें उसने हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियड्स uh, बनाए थे और जो वर्टिकल uh, कॉलम थे उनमें उसने ग्रुप्स बनाए थे टोटल टो जो थे वो एटीन ग्रुप्स थे और एट सेवन uh, जो थे वो हॉरिजॉन्टल रोज थी जिसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था सो so, अप करते हैं लेक्चर को द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिगन विद द लॉ ऑफ ट्रायड्स जो हिस्ट्री थी जो ये टाइमलाइन थी वो स्टार्ट हुई किससे लॉ ऑफ ट्रायड्स से जो किस किसने दिया हमें डैट वॉज जॉन डॉब्रेन जिसने हमें कहा कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है अगर हम उसका मीन निकालें उसकी एवरेज निकालें तो हमें सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मैस पता चलेगा तो उसने टोटल थ्री सेट्स के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया था थ्री थ्री सेट्स बनाए थे उसने डिफरेंट ट्रायड्स के और इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था नेक्स्ट वॉज जॉन न्यूलेंड्स प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इन टू ग्रुप्स ऑफ एट बेस्ड ऑन देअर प्रॉपर्टीज़ जो नेक्स्ट था वो क्या था लॉ ऑफ ऑक्टिवस था जिसमें न्यूलैंड ने टोटल जो थे एलिमेंट्स को टोटल एट ग्रूप्स में रखा था और उसने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं एट्थ एलिमेंट है वो क्या है वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है विद द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सो उसने कहा था कि जो uh, Uh, आठवां एलिमेंट है वो पहले से सिमिलर प्रॉपर्टीज में है सिमिलर है इन प्रॉपर्टीज और उसने इन एलिमेंट्स को विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज जो है अरेंज किया था इनटू सेवन ग्रुप्स सो नेक्स्ट वाज मैंडलीव मैंडलीव ने क्या किया था फॉर्मुलेटेड लॉ अरेंज्ड अरेंजिंग एलिमेंट्स बाय एटोमिक वेट लीडिंग टू द मॉडर्न प्रियोडिक्टेबल विच इज ऑर्गेनाइज बाई एटॉमिक नंबर ओ एंड ग्रुप्स एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज जो मैंव ने प्रियोडिक्टेबल दिया था उसमें उसने uh, जो थी सिक्स पीरियड्स बनाए थे और टोटल एट ग्रुप्स बनाए थे लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे उसने जो डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स थे उनकी जगह खाली नहीं छोड़ी थी तो इस तरह से उसने एक बेस दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जिसको मोजले ने उस बेस को यूज़ किया और उसने न्यू पीरियोडिक टेबल दिया डेट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसमें उसने एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज किया विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सो डैट इज़ द होल हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे सामने आया विद द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट्स सो होमवर्क है क्रिएट अ क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स डिवेलपमेंट आपने क्या करना है आपने एक टाइमलाइन बनानी है ऑन द होल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टेबल उस हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने कौन कौन से लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें एलिमेंट्स uh, की अरेंजमेंट दी उस पर आपने एक टाइमलाइन बनानी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से बनाई और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करनी है सो आई होप यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टेबल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़